केस सॉल्व करने की, तो वही मानव को वो इसी पनिशमेंट में खड़ा रखे, बाकी सबके सब चले गए। वो बेचारा जाने की भी कोशिश करे लेकिन इसके लिए मना दी होती। हाँ, ये पनिशमेंट वैसे भी जब वो केस में जाते हैं तो केस सॉल्व तो होता नहीं है, केस तो और ख़राब हो रहा होता है। लेकिन अब देखिए, अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पुलिस चौकी में अपनी कुछ चलता रहेगा और वहाँ मैं केस सॉल्व कराऊँगा। तो दोनों को जो मिक्सचर आप देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए, कि हम भी करके देखना चाह रहे हैं कि यहाँ मानव जो है वो पनिशमेंट में है और यहाँ मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ, और जो खिचड़ी बन के सामने आएगी तो मज़ा आएगा। देखिए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जब बच्चे थे तो सिर्फ एक ही चीज़ पता होती थी कि छुट्टी का दिन, तो समझ में नहीं आता कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है। तो बहुत बड़ा दिन होता था हमारे लिए, कि हमको लगता था यार ये एक दिन ऐसा आता है जिस दिन स्कूल बंद हो जाता है, छुट्टी का दिन है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते थे इसकी महत्वता बढ़ती गई जीवन में, पता चलने लगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, पता चल ऐसा लगा कि हाँ जो संविधान बना है उसकी वजह से कितनी सारी चीज़ें दिक्कतें दूर हो गई हैं, रेसिज्म और इक्वालिटी, और हर किसी का अपना अपना एक दायरा बन गया है कि भाई मुझे इतने में ही करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, और जैसे कहते हैं कि अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए, दादागिरी गुंडागिरी सब नहीं करनी चाहिए। एक संविधान बना हुआ है, संविधान के तले रहेंगे तो सब जो हैं एक समान रहेंगे, समांतर रहेंगे, तो हम में यूनिटी रहेगी, हम एक देश कहला पाएंगे अपने आप को जो अभी भी कहलाते हैं। तो इसलिए जो रिपब्लिक डे है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप तिरंगा लहराइए, उसे सैल्यूट कीजिए और लोगों में खुशियाँ बांटिए। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। बच्चा हूँ सर, गलती हो जाती है बच्चे से, उसमें क्या है सर, माफ कर दीजिए ना प्लीज। आपके 5 लाख रुपए आप मेरी पगार में से काट दीजिएगा सर। पगार में से कितना साल तक काटेगा सर? काफी है सर, इसके दांत बेच के रिकवर कर लीजिए सर। दांत? हाँ सर, हाथी के दांत 7 लाख के होते ना, इसकी भी बेच दीजिएगा सर। इसका इसके दांत का मैं 7 रुपए भी नहीं दूंगा। ए सीधा खड़ा मेरा, काटूंगा मैं तुमको, काटूंगा जिस तरह तुमने हमारा फोटो के साथ किया है, पेंटिंग के साथ में, ऐसे तुम्हारे साथ करूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। खड़ा रहो इधर जितनी सी बार। हाँ बोलना जरा सर, रोक पर समझाना यार, माफ कर दे, बोलना। क्या बात कर रहे हैं सर, आपसे मैंने इतना कुछ सीखा है, जरा ये भी सीख लो कि कितनी देर से आप दीवार को मुंह लगाए खड़े हो सकते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा मैं। ए खड़ा रहो, हाथ करो ऊपर, खड़े खड़ा रहो सर, कर दीजिए ना माफ सर, छोड़िए सर, छोड़िए हाथ तुमको सर। क्या रे सर? क्या है सर? चंदू चूहा सर, चंदू चूहा जेल से भाग चुका है, और सुनने में आया कि वो इसी इलाके में दिखा गया है। पूरी बाबा सर, मुझे लगता है चलना चाहिए सर। हाँ सर। ए तुम खड़ा रहना सर, कैसे सर? मेरा पार्टनर है वो सर, वो अकेला खड़ा रहना, वो अकेला कैसे जाएगा सर? मुझे जाएगा वो, खड़ा रहो। अरे हेल्प करनी पड़ेगी सर, प्लीज सर, मैं उसे अगर कुछ हो गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा, आप बताइए। खड़ा रहो यहाँ पे, बोलते सर।